चलो दोस्तों अब बताओ, तो जो हमने क्वेश्चन किया ठीक है, सिक्स, मुझे उम्मीद है इसकी तुमने जी टी एन टी ए तो निकाल ली होगी। है ना, कितनी जी टी आई है, एन टी आई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गेम खेला, ये भी सही आया है और ये भी। 13,03,000 पूरी ज्यादा ये बच्चों ने गलत निकाला है ना। तो तुमने क्या किया होगा, यहाँ पे 2 लाख घटाया होगा और फिर ये आया होगा 13,03,000। भाई यही तुम कच्चा खा गए भाई तुम। हम कैसे गलत सोचते हैं, हम तो कभी गलत नहीं सकते हैं। अब बता दो तुम्हारी गलती क्या है। मैं जी टी आई तक तो बिल्कुल ठीक हूँ, तो पहले मैंने जी टी आई निकाली, फिर मैंने डिडक्शन दी, और फिर तुम्हारे हिसाब से कितनी इनकम आ गई, 13,03,000। अब सुनना, अब मैं कैसे करूँगा इसे। अब जब मैं स्टेप नंबर 2 पे जाऊँगा, स्टेप नंबर 2 की क्या हेडिंग डालूंगा मैं, कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है, जी टी ए बोलना कितनी आई मेरी, 15,03,000 इतनी आई है। ना इतनी आई है ना, मेहमान बुला लो। अब पहला मेहमान 112, कितने रुपए, एक लाख 10,000 पक्का लॉक कर दिया जाए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दूसरा मेहमान राहुल जी 111 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और इक्विटी बोलो। तीसरे मेहमान केजरीवाल जी 112 है, बोलो 112 है, अबव 1 लाख, 4 लाख। पांच लाख थे ना, तो 5 से 1 अबव, अब बोलो। तुक्के की इनकम 115 बीबी 55,000। अदर इनकम कैजुअल थोड़ी है, अदर इनकम कैजुअल थोड़ी है, अदर इनकम डिविडेंड भी तो सकता है, अदर इनकम बैंक का ब्याज भी तो सकता है, अदर इनकम टैक्सेबल गिफ्ट भी तो सकता है, अदर सोर्स में जाएगा। लेकिन मैं अदर सोर्स थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं तो 115 बीबी पूछ रहा हूँ। 115 बीबी कितना है, 55। बैलेंस बोलो बाबू, बैलेंस 15,03,000 में से इन सबको निपटा दिया तो बैलेंस कितना बचा। फाइव लैख वन लैख 38। अरे नहीं यार, 15 लाख में से 1 लाख, 7 लाख कितना बचेगा, 238 पक्का। अभी भी तुम इसमें कुछ गड़बड़ कर रहे हो मुझे लग रहा है। क्या चीज, 238 या 138?
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1:10, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 है 5 लाख। अरे अरे अरे, यहाँ करोगे तो तुम यहाँ लिखेंगे इतने, यहाँ लिखेंगे तो 5 लाख ना, टैक्स लगाएंगे वो 1 लाख के ऊपर, लिखना तो 5 लाख ही है ना। कितना आएगा? हाँ 138 है ना, टैक्स लगाएंगे उसके ऊपर लिख के, लेकिन यहाँ कितने लिखेंगे? 5 लाख। 138 आया। अब सुनना बहुत खतरनाक बात, बहुत ही डेंजर, इसलिए यहाँ खतरा बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, खतरा तुम भी खतरा बनाओगे अपनी किताब में, है ना, हड्डी राजा बना दिया, खतरा बना दिया मैंने। घर वालों में से क्या लेस करते हैं? डिडक्शन लेस करते हैं। अब मुझे बताओ जो डिडक्शन है ना 2 लाख की है, बोलो अगर मैं यहां से 2 लाख रुपए घटा दूं तो मेरी इनकम कितनी? नेगेटिव, नेगेटिव 62,000 का मतलब क्या हुआ भाई? सर वहां से हम क्लेम कर लेंगे ऊपर जाते हैं। नेगेटिव 62 का मतलब क्या हुआ? कि तुम ताई से उल्टा पैसा ले लोगे? नहीं, उधर वाले से कम करवा लेंगे। नहीं, उधर वाले से तो कम जब होता है मुन्ना, जब एग्जम्पशन बचती है, एग्जम्पशन जो बचती है। ये तो तुमने डिडक्शन देके नेगेटिव कर ली, यानी कि तुम्हारी इनकम है 1,38 और तुमने LIC मेडिकल और दान कर दिए 2 लाख के, तो तुमने कायदे से देखा जाए तो अपनी कमाई से ज्यादा दान कर दिया। अब तुमने अगर अपनी कमाई से ज्यादा दान कर दिया ताई तुम्हें 62,000 रुपये लौटाएगी? बोलना ताई कहेगी मैंने कही थी करने को ना, मैंने कही थी करने को। तो ताई ने बोला भाई एक बात होश में सुन लेना, डिडक्शन कभी भी तुम्हारी इनकम से ज्यादा नहीं लिखूंगी, और अगर जो रट्टेबाज बालक हैं वो चाहे तो इस जुगाड़ को या इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। डिडक्शन का फॉर्मूला है नहीं, पर मैं तुम्हें बना के दे रहा हूं। क्या? टोटल इनकम जो बैलेंस की बची और 80C से लेकर 80U की टोटल डिडक्शन, विच एवर इज लेस लिखना है तुम्हें जब भी तुम यहां चीज घटाओगे। अब अपने क्वेश्चन में देखो बैलेंस इनकम कितनी बची? 138। 80C से 80U तक की डिडक्शन क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 2 लाख। इनमें से क्या कम है? 138 कम है, तो यहां 2 लाख नहीं लिख पाऊंगा, कितने लिख पाऊंगा इनकम? बोलो मेरी टोटल बैलेंस इनकम कितनी हो गई घर वालों की ना? अबे निल नील हो गई पहले तो, इतना समझ में आ गई बात? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो पहले इतना। 5 लाख तो लिखा है, हाँ इसके पहले कुछ ना आपने 10,000 वो 1:10 घटा, वो 1:10 घटाएंगे। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई थी क्या यहाँ बैलेंस में? ठीक है, यहाँ बैलेंस में 1 लाख 1:10 ही तो माइनस किए होंगे, यहाँ 1:10 ही माइनस हुए, यहाँ 10 माइनस नहीं हुए, 1:10 माइनस हुए। 10 पे तो टैक्स लगाया है, हाँ लेकिन जब मैं माइनस करूँगा करूँगा तो पूरे ना, जो हमने यहाँ पे भी तो वही किया है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? अब ये चीज़ हटा रहा हूँ मैं, ये जो मैंने तुम्हें ट्रिक बता दी। अब मेरी टोटल इनकम कितनी हुई ये बताओ, बैलेंस इनकम निल, इस निल पर मैं क्या लगाऊंगा? स्लैब रेट। स्लैब रेट में मैं मान रहा हूं, स्लैब रेट में अच्छा तुम बता दो, नहीं अगर डिडक्शन दी है तो फिर क्या करना पड़ेगा? ओल्ड ही मानना पड़ेगा है ना, ओल्ड स्लैब रेट मैंने चूज किया और स्लैब रेट में मैं मान रहा हूं मेरी इनकम कितनी होगी। अब 2.5 की एग्जम्पशन, कितनी एग्जम्पशन है? 2.5 की, तो बताओ कितनी एग्जम्पशन बची, कितनी एग्जम्पशन बची? पूरी 2.5 बच गई, क्योंकि मैं यहां यूज कितनी कर पाया निल? इससे पहले क्वेश्चन में तुम्हें क्या ताई ने क्या कसम खाई थी? मैं ये 2.5 लाख रुपए अगले साल नहीं ले जाने दूंगी,
पर ये 2.5 लाख रुपए यहाँ पे फिट कर ले तू चाहे, तो जो एग्जामिशन स्लैब रेट की बच जाती है उसका सहारा इन सब को दे दो, बस तुक्के मत देना। सोनिया जी को कितने चाहिए इसमें से बताओ, तो ताई कह रही दे दो भाई, कितने माइनस कर दूँ? सोनिया जी कितनी हो गई? नील। बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा 1,40,000। राहुल जी को कितने चाहिए? 4 या 7? मेरे पास है कितने? तो पूरे दे दो भाई। अब राहुल जी कितने रह गए? 5,60,000। यहाँ तो पहुँच ही नहीं पाए। क्या? हाँ अभी रुक जाओ, ये मैंने एग्जामिशन का सारा दे दिया, अब मैं क्या निकालूंगा? टैक्स रेट। क्या निकाल रहा हूँ मैं? टैक्स का रेट रखते हैं। सोनिया जी 20, राहुल जी 15, यहाँ 10, यहाँ 30, और ये मैंने बता दिया तो पहली स्लैब रेट। ठीक है, शुरुआत मैंने यहाँ से करी, अब यहाँ से दे दो। नील का 20%, 5,60,000 का 15%, 5 लाख का 10% मत कर देना, 5 लाख में से पहले 1 लाख की एग्जामिशन घटाना, 4 लाख का 10% और 55,000 का 30%। चर्चिल बाबू चर्चिल, वो मिलेगा इसे रिबेट नंबर 87 ही मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? कौन है ये? अमीर है। रिबेट का फैसला कहाँ से होता है? एनटीआई से। एनटीआई में अमीर है, सीधा क्या लगा दो, कितना आ गया? 5,620 बताओ। 146,120। अब ये बताओ, ये हमारा ढाई ढाई में से 1-10 गए, ये 7 में से 1.90 माइनस क्यों करें? नहीं नहीं रुको, एक चेक करते हैं, रुक जाओ। यहाँ 2.5 लाख, उम्र कितनी है इसकी? 84,000 ठीक तो आ रहा है? 84,000 तो टैक्स 1,40,500 आना चाहिए, 1,40,500 आ रहा है, ठीक आ रहा है, 5,620, ठीक है, ओके, डन डन डन, मैच हो रहा आंसर है ना? वो मैंने नीचे वाला देख लिया गलती से, इसका मतलब है ना मैच हो गया आंसर। अब ये बताओ, अब तुम्हें बात समझ में आ रही होगी कि तुमने 2 लाख की रिडक्शन निकाली और यहाँ 1,38 क्यों आई है? बताओ 1,38 क्यों आई है? क्योंकि स्लैब रेट के हिसाब से देखो तो इससे ऊपर आपको डिडक्शन दी नहीं जाएगी। बैलेंस का अमाउंट और टोटल डिडक्शन विच एवर इज लेस, है ना? अच्छा ये बताओ, इसी क्वेश्चन को कर रहा हूं मैं, अब अगर इस क्वेश्चन में मैं यहां लिख दूं, डू ब्रेकअप पार्टी इफ एसएससी फॉलोज 115 BA। अब भाई है ना, ये नोट कर लिया करें हम। अब पहले तो मैं ये निकालूंगा, जब मैं यहाँ ये निकालूंगा तो
तो यहां मुझे मजबूरी है डिडक्शन देनी नहीं, तो मैं यहां काटता हूं और यहां क्या लिखूंगा, नील। ठीक है बोलो। तो टोटल इनकम भी 1503। तो अब ये कितना आएगा, 1503। अब ये आएगा मेरा 1503। बोलो भैया ऑनलाइन वाले बच्चों, हाउस प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म क्यों होता है, हाउस प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। नहीं भैया भेज रखी है, यक्ष ग्रुप पे ऑलरेडी भेज रखी है। ठीक है अब जीटीआई की ब्रेकअप पार्टी करते हैं। लो भाई जीटीआई की ब्रेकअप पार्टी करते हैं। जीटीआई की ब्रेकअप पार्टी सही करी है तुमने, बोलो 1, 10, 7, 5, 55 ये तो सही किए। बैलेंस कितना बचा, 1, 38। 1, 38 में से बताओ डिडक्शन मिलेगी क्या, इस बार डिडक्शन होगी नील, क्योंकि तुम 115 बग बग फॉलो कर रहे हो। तो यहां मैं लिखूंगा डिडक्शन ऑफ 80C और 80D, ये हो गई नील। अब ये कितना बचा मेरा बताओ, 7 लाख। और अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूँ, न्यू लिख रहा हूँ, न्यू स्लैब याद रखना है, न्यू लिख रहा हूँ, कभी गड़बड़ कर दो। अब कितनी बची, अरे 138। नहीं 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 समझ नहीं रहे बात, 138 की लिमिट बची है ना। अब मुझे क्या लगाना होगा सर, स्लैब रेट डिडक्शन, इसे बताओ क्या इसे रिबेट मिलेगी, नहीं क्यों नहीं मिलेगी, अमीर है, अमीर है तो 87 ही नहीं मिलेगा, 87 ही की लिमिट होती 7, और ये क्या जा रहा है, ये हो रहा है अबव 7 लाख, तो ये तो मिलेगी नहीं। अब उम्र तो कोई भी हो, पहाड़ा 3 का पढ़ना होता है, 3 का पहाड़ा पढ़ो, पहले स्लैब कितना 3, 3 लाख में से कितनी अजम्पशन यूज कर ली, यूज कर ली, एग्जम्पशन बची कितनी, 162 दे दो, दे दो। एग्जम्पशन कितनी होती है नए स्लैब में, 3। बताओ जरा, 3 है ना, समझ गए कितनी होती है, 3, 3 में से यूज कितनी हो गई, बचे कितनी, 162, 162 में से 1, 10 तो यहीं दे दी, ये कितना बचा नील। अब कितनी बची एग्जम्पशन, 162 में से 1, 10 दे दी, कितनी बची, 52 किसको दे दो, राहुल जी कितने बचे, 5। ठीक है ये 5 ही बचे, इतने बचे, अब टैक्स निकाल दो, हाँ ये भी करेंगे 4, 20, 15, 10, 30 और स्लैब रेट से तो यहाँ नील हो ही गया था टैक्स है ना, इसमें से 1 लाख माइनस करें 4 लाख, बताओ टैक्स नील, 648 का 15%, 97,200, 4 लाख का 10%, 40,000, 55,000 का 30%, 16,500 टोटल टैक्स, 153 डिस्काउंट मिलेगा नहीं, 4% शिक्षा के पहले जोड़ो। अब चेक करो इसी क्वेश्चन में पहले टैक्स कितना आया, पहले अब इस वाले क्वेश्चन में टैक्स आया मेरा 138, ओ सॉरी ये नहीं, ये नहीं ऊपर है ना, ये कितना आया 146, अब कितना आया 153 से ज़्यादा है ना, 159 पुराना फ़ायदेमंद है, न्यू पुराना फ़ायदेमंद है,
क्योंकि डिडक्शन से मुझे एग्जम्पशन ज़्यादा मिली। पिछली बार मेरे को एग्जम्पशन कितनी बची थी, ढाई की है ना, और यहाँ कितनी एग्जम्पशन बची है सिर्फ, इसका फायदा पुराने को मिल रहा है। समझ में आई बात? तो अगर क्वेश्चन आएगा तो मुझे दोनों से सॉल्व करना पड़ेगा। विच वन इज बेटर, तो आप बोलोगे ओल्ड टैक्स रिजाइम इज बेटर देन न्यू, ठीक है ना, क्योंकि कम टैक्स बेटर है। हाँ दोनों ही कैलकुलेट करने पेपर में भी एक नंबर का क्या कर सकते हैं, नाइन करो जल्दी। अब जो तुम पूछ रहे थे ना, जो तुम पूछ रहे थे कि सिर्फ कैपिटल गेन हो, उसका जवाब इसमें छुपा है। हैं भाई स्लैब उन्होंने पूछ लिया तो नहीं तुक्का लगा दूंगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एक नंबर का। ये तो आ सकता है कि टोटल इनकम दे दी और बताओ टैक्स लायबिलिटी कितनी है, लेकिन उसमें बोल देगा कि ओल्ड या न्यू, पर उसमें भी टाइम कितना लगेगा, पहले ब्रेकअप पार्टी बनाओगे, ये करोगे, टाइम उसमें भी टाइम लगेगा भाई, इसलिए इससे सबसे लेंथी पेपर टैक्स का होता है। हाँ तो इससे बड़े तुक्के अगर वही है, इसलिए एमसीक्यू बाद में करने चाहिए। अगर तुम्हें लग रहा है कोई सीधा सीधा एमसीक्यू तो इसका जवाब तो दे दो, वही कैलकुलेशन है भैया बाद में करो, पहले मेन क्वेश्चन कर लो। इसलिए टैक्स पेपर 90% बच्चों का टैक्स पेपर इसलिए छूटता है, कैलकुलेशन बहुत लंबी है, अकाउंट्स और कॉस्टिंग से भी कैलकुलेशन लंबी है ना। जल्द ये करो जल्दी अब, अरे मान लो ये नंबर एक, ये आ गया एक नंबर का क्वेश्चन, चाकू अलग, ये सारे अलग अलग एसएससी हैं, ये तो आ सकता है टैक्स लायबिलिटी निकालो अगर चाकू का कैपिटल गेन इतना है, तब ये तो एक नंबर में बनता है ना। बताओ अलग 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 सॉल्व करेंगे। नॉन रेजिडेंट तुम पढ़ तो चुके हो, नॉन रेजिडेंट क्या है, नॉन ब्रेकअप पार्टी से करो ना सॉल्व, निकम्मो ब्रेकअप पार्टी से करो ना। मैं कर रहा हूँ, चलो भाई चाकू क्या है, रेजिडेंट है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट तुम जानते हो, आर ओ आर है तो टैक्स वो सब चीज़ें इसलिए पूछ, इसलिए बताता है वो रेजिडेंट। चाकू रेजिडेंट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 300,000, तो चलो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। लोग तुमने बेटो अच्छी बात कर, दिमाग मत लगा लेना अपना, घर छोड़ के आएंगे तो सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीपी कैपिटल गेन अदर सोर्स, सैलरी नील हाउस प्रॉपर्टी नील पीजीपी नील, कैपिटल गेन कौन सा कैपिटल गेन है, किस पे है, नहीं हाउस प्रॉपर्टी पे है, इक्विटी पे, किस पे नहीं बता रखा, बोलो तो अगर कुछ नहीं कह रहा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो इक्विटी नहीं मानेंगे, घर मान लेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हाउस पे है या ज्वेलरी पे है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, अगर इक्विटी नहीं
हाँ अगर इक्विटी नहीं लिख रहा तो इक्विटी उन्हें लिख के देगा। तो मैंने मान लिया कि कैपिटल गेन है घर पर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है घर पर कितना, गेन अदर सोर्स नील, जीटीए कितनी हुई, डिडक्शन माइनस कर दो अगर मैं ओल्ड स्लैब रेट यूज करता हूं तो, है ना, अज्यूमिंग ओल्ड स्लैब रेट डिडक्शन है क्वेश्चन में। एनटीआई कितनी हो गई, 350,000, इसमें तो कुछ भी नहीं है। जीटीआई की ब्रेकअप पार्टी करते हैं, अभी अभी राज की बात लिखवाई, जीटीआई की ब्रेकअप पार्टी करते डिडक्शन घर वाले को देते हैं। जीटीआई कितनी है, 350,000, जीटीआई की ब्रेकअप पार्टी करेंगे, पहला मेहमान लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी 111, तीसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी 112 है, चौथा 115 बग बग और आखिरी बैलेंस। 350 में से बताओ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 350,000, ये कितना बचा, ये कितना है नील क्वेश्चन में, कितना है नील क्वेश्चन में, कितना नील। अब 350 में से सारे के सारे अगर इसको दे दिए हैं तो बताओ बैलेंस कितना बचा, नील, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि मैं ओल्ड सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, ओल्ड स्लैब रेट फॉलो कर रहा हूँ, तो बताओ डिडक्शन कितनी, डिडक्शन 80C से 80U दे रखिए क्वेश्चन में, तो नील 87 ए क्यों बोल रहे हो, जुबान सर मेरे मुँह से निकल गई सर, ये वाला मीम चल गया है ना, बैलेंस इनकम कितनी हुई नील, मतलब अच्छी बात समझ में आ गई। हम उन्नी ऐसे घूर घूर के मत देख मुझे, तुम बताओ क्वेश्चन में है ही बस ये, क्वेश्चन में एक ही इनकम तो है, ये तो अलग अलग ऐसे ऐसी हैं, अरे अलग अलग नाम नहीं लिख रहे, मिस्टर ब्लेड, मिस्टर चारू, मिस्टर सीजर, अरे अगर ये एक ही, अगर ये एक ही होती तो एसएससी एक ही तो होता, फिर इसमें लिखता मिस्टर एस के सारी इनकम है, सारे अलग अलग एसएससी हैं, अलग अलग नाम नहीं लिखे, अब ये बताओ इसमें बुराई क्या है बताओ। अब मुन्नी एसएससी, मुन्नी ओ मुन्नी ये एसएससी तुम ही हो, तुम्हारी और कोई इनकम नहीं है, तुमने अपने कुंडल बेच दिए, कितने के बेच दिए, 3.5 लाख का प्रॉफिट कमा लिया, तो मैं यहां पे तुम्हारा नाम लिख दूं और कह दूं कि तुमने अपने कुंडल बेच के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया 3.5 लाख ऑन ऑन ईयर रिंग्स, है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल। अब ये बताओ तुम्हारी सैलरी भी नहीं है, तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है, तुम्हारा पीजीपी नहीं है, तुम्हारा अदर सोर्स भी नहीं है, लेकिन इत्तेफाक से कुंडल तुम्हारे नाम पे थे और तुमने ये बेच के 3.5 लाख का प्रॉफिट कमा लिया, है कि नहीं बात भाई, घर वालों ने खरीदे होंगे मान लो 5 लाख के, तुमने बेच दिए 8.5 लाख के, तो तुमने कितना प्रॉफिट कमा लिया, 3.5 लाख। तो ताई तुमसे कह रही है कि उम्र 18 से ऊपर हो गई, अगर उम्र 18 से ऊपर हो गई 3.5 लाख का प्रॉफिट कमाया तो टैक्स निकाल, और अगर उम्र 18 से ऊपर नहीं है तो टैक्स निकालेंगे माँ बाप, और माँ बाप को माना जाएगा डीम्ड एसएससी। तो तुम्हारा ही क्वेश्चन है, अब बताओ, तुमने बोला सर टैक्स लाइबिलिटी में वैसे ही निकालूंगी जैसा सर ने बताया, मैंने कैसे बताया, मैंने ऐसे बताया कि मुन्ना मुन्नी ये कर देना स्टेप नंबर 1 और ये कर देना स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में ये आ गया भाई, और स्टेप 2 में ये आ गया, बताओ कितनी बात समझ में आ गई। जीटीआई की ब्रेकअप पार्टी करते हैं, डिडक्शन घर वालों को देते हैं, मैंने जीटीआई की ब्रेकअप पार्टी करी, डिडक्शन घर वालों को दे दी। अब जब डिडक्शन घर वालों को दी तो मेरी इनकम कितनी बची है, नील, स्लैब रेट की एग्जम्पशन कितनी होती है, 2.5 लाख, 2.5 लाख में से यूज कितनी हो गई नील, तो बची कितनी, 2.5 लाख की बची, 2.5 लाख का सहारा किसको दे दो, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, 2.5 लाख का सहारा इसको दे दिया, कितने दे दिए इसके पूरे, 2.5 लाख। अब सोनिया जी कितने रुपए की बची, 1 लाख। अब यहां मैं तुम्हें कह रहा हूं रेट लिख दो भाई, रेट लिखने में क्या बुराई है, कितने कितने रेट, 20, 15, 10, 30 और स्लैब, है ना, 1 लाख का 20% 20,000, नील का 15% 0, नील का 10% 0, नील का 30% 0 और नील का स्लैब रेट 0, क्योंकि 0 होगी तभी तो एग्जम्पशन बची थी,
अब भाई 20,000, तो अब ये बताओ इसकी टोटल इनकम कितनी बनी एनटीआई? इसके हिसाब से अमीर हुआ गरीब हुआ? अगर ये गरीब है तो डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा? तो 20 में से माइनस कर दो टैक्स की लाइबिलिटी, या 12,500 विच एवर इज लेस। टैक्स की लाइबिलिटी कितनी? 20, और 12,500 क्या कम है? अब नेट टैक्स कितना बचा? 7,500। शिक्षा के पैसे जोड़ दो। अब हो गया नहीं हो गया मैच? आ गया। इसी केस में अगर आप न्यू वाला फॉलो करते तो हाँ, न्यू वाला कर लेते हैं पहले, तो इसको समझा के बाद निहाल लो, प्यार से लिख लो। पांच लाख से पांच या उससे कम हो तो फॉर्मूला लगा देना, टैक्स और 12,500 विच एवर लेस। तो मैंने लगा दिया टैक्स 20 और 12,500 विच एवर लेस, 12,500 की रिबेट आ गई। कितने रुपए की अरदास? हाँ, ये पहले दूसरी क्लास में करवाया, वो बैकअप देखना पड़ेगा। कितने रुपए की अरदास? 51 रुपए की, 101 रुपए की? ओ भाई वाह वाह वाह, मतलब अपनी फीस भी और बच्चे की फीस भी अपने। चलो भाई, इक्कीस हजार रुपये की अरदास है। सर अगर मैं इसको न्यू टैक्स रिजाइम से कैसे करूँगा तो मेरा आंसर कैसे बनेगा? स्टेप नंबर वन बताओ, कोई तब्दीली होगी? कोई तब्दीली नहीं है, क्योंकि न्यू हो ओल्ड हो हेड तो वही पांच है ना। डिडक्शन में होती है तब्दीली, कि न्यू होगा तो डिडक्शन नहीं दूंगा, तो यहां तो रिडक्शन वैसे भी नहीं है ना। अगर न्यू टैक्स रिजाइम है तो क्या नहीं दूंगा? डिडक्शन। तो यहां तो रिडक्शन वैसे भी नहीं है, लेकिन एनटीआई में अमीर गरीब का फैसला किस पे होता है? 7 लाख पर। यहां है कितने? तो 3.5 इज लेस देन 7 लाख, तो ये गरीबी हो गया। अगर ये गरीब हो गया है तो इसका गरीबी का 87A का फॉर्मूला क्या बनता है? टैक्स लाइबिलिटी और 25,000 विच एवर इज लेस। तो रुक जाओ, अभी कर लेते हैं भाई, सर वो तो 2.5 लाख माइनस नहीं मान लेते। रुक तो जाओ, रुक तो जाओ। 25,000 और टैक्स की लाइबिलिटी विच एवर इज लेस, ये इसका डिस्काउंट नंबर 87A का फॉर्मूला बनता है। अभी रुक जाओ, अभी जल्दबाजी मत करो, शुरू से करेंगे हम तो बिल्कुल, है ना, शुरू से करेंगे भाई। जीटीआई की ब्रेकअप पार्टी करते हैं, रिडक्शन घर वालों को देते हैं। जीटीआई की ब्रेकअप पार्टी कर लेते हैं, रिडक्शन 87, रिडक्शन नहीं था डिजाइन में, होती नहीं। जीटीआई कितनी है इसकी? 3.5। ब्रेकअप पार्टी में चार मेहमान बुला लिए, बैलेंस आ गया। ब्रेकअप पार्टी में 3.5 के 3.5 किसने ले लिए? ये निल, ये निल, ये निल। बैलेंस के बाद डिडक्शन भी क्या हो गई? निल, है ना। अब बैलेंस इनकम कितनी बची? निल। एग्जम्पशन कितनी होती है? 3 लाख की माफी होती है, इसमें से यूज कितनी कर पाया? नील। तो बची कितनी? पूरे 3 लाख बची। तेरा सहारा मिल गया, जिंदगी गाना गा दो। ताई ने बोला कैरी फॉरवर्ड कर्नाटक मत करो, अभी ले ले जो लेना, अगले साल नहीं दूंगी ये कुछ भी। कितनी बची? 3। सोनिया जी को चाहिए कितनी? 50 लाख। तो हमने कहा सोनिया जी 3 ही है, 3 लाख आपके हो गए, कितने बचे? 50। सोनिया जी 20%, 10,000, है ना। अब ये सब निल हो गए, डिस्काउंट देंगे ही देंगे? बिल्कुल देंगे, गरीब है, 7 लाख से कम है। टैक्स की लाइबिलिटी 10,000 और 25,000 क्या कम है? 10। टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो गई? नहीं, खत्म बात। न्यू वाले में 3 की तो होती है एग्जम्पशन, 3 का भाड़ा पड़ते हैं, पुराने वाले में 2.5 की होती है। तो न्यू करूंगा तो 3 की माफी लगाऊंगा, और पुराना करूंगा तो 2.5 की माफी लगाऊंगा। पुराने में टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ रही थी? पुराने में आ रही इतनी, सात और अब नील। तो इस क्वेश्चन में न्यू फायदेमंद है चाकू के लिए, पुराना न्यू, बस अलग अलग ऐसे के सॉल्व। अब तो सॉल्व कर दोगे निकम्मो, करो अब। सर एक और मेरे को बता दो, ये गुडविल को एक्सटेंड है, अगर मुझे 7 लाख का प्रॉफिट हो रहा है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मिला के,
अलग अलग बताना पड़ेगा आपको, लॉन्ग टर्म कितना, शॉर्ट टर्म कितना, तभी तो ब्रेकअप पार्टी में डालूंगा। पहले सॉल्व करो, जल्दी जल्दी सॉल्व कर दो, 2 3 4 5 6 टाइम मत लगाना इसमें। अब ये समझना एमसीक्यू के एक एक नंबर के क्वेश्चन है, अब इसमें नहीं कह सकते तो गलत है भाई, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। तो ये पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म कितना, शॉर्ट टर्म कितना, तभी बता पाएंगे। हाँ जैसे इस क्वेश्चन में है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बता रहा है। चलो एक रात की बात लिखवा देता हूँ, सुनो सुनो सुनो, एक रात की बात लिखवा, तब तुम सॉल्व कर पाओगे। आज की अगली रात की बात, जो एग्जम्पशन स्लैब रेट की बचती है उसका सहारा किसे मिलेगा? पहले पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सेक्शन लिख देता हूँ है ना, पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फिर 111 है, फिर लेकिन कैजुअल इनकम को है ना, तो 115 बक बक को काट देना, ओ 115 व्यू काट देना। एक तो राज की बात है, जो एग्जम्पशन स्लैब रेट की बचेगी उसका सहारा देंगे पर कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। एक और खतरनाक बात, और वो खतरनाक बात है बदला। पहले बताओ, जो मैंने लेक्चर नंबर 1-2 में तुम्हें बदला लिखवाया था, कितने बदले लिखवाए थे? बदला, अंग्रेजों से बदला। पहला बदला, तुम किसी भी उम्र के हो तो एक ही स्लैब रेट लगेगा, या तो पुराने में 2.5 वाला और नए में 3 वाला, ये बदला नंबर 1। कोई उम्र की सीमा नहीं है उनके लिए। बदला नंबर 2 क्या था? डिस्काउंट नंबर 87 है, अंग्रेजों को नहीं देंगे, चाहे उनकी इनकम 7 से कम हो चाहे 5 से कम हो। आज लिखेंगे बदला नंबर 3। बताओ क्या बदला होगा? अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो जो एग्जम्पशन स्लैब रेट की बचेगी उसका सहारा, बोलो, किसी को भी नहीं मिलेगा। उसका सहारा नहीं मिलेगा, समझ में आ गई बात? ये वाली बात क्या लिखी तुमने? जो एग्जम्पशन स्लैब रेट की बची उसका सहारा हम इस सीक्वेंस में देते हैं, है ना। ये तभी पॉसिबल होगा अगर वो बंदा कौन होगा? रेजिडेंट। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि वो नॉन रेजिडेंट है तो जो एग्जम्पशन स्लैब रेट की बचेगी उसका सहारा किसी को नहीं देंगे, खत्म, लैप्स, डेड, उसे बेड डेट मान लेना अकाउंट की भाषा में, है ना। दैट इज एग्जम्पशन जो बची है इज डेड, वो एग्जम्पशन डेड घोषित कर दी जाएगी, उसका सहारा ना इस साल किसी को मिलेगा ना वो कैरी फॉरवर्ड हो पाएगी, डेड मान लो उसे, समझ गए? नोट कर लिया बदला नंबर 3। अब करो जल्दी, अब तुम ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो, जल्दी करो, यही करके जाना है आज ही। किसी भी तरह की कैजुअल इनकम हो, कैजुअल इनकम का मतलब होता है कैजुअली कमा ली मैंने तुक्के में। अब चाहे वो लॉटरी हो, चाहे वो गेम शो हो, चाहे वो पजल हो, चाहे वो केबीसी हो, है ना, चाहे वो ड्रीम इलेवन हो। क्या? हाँ, लॉक सिक्स में क्या है? हाँ, नहीं नहीं 3000 डिविडेंड है या ब्याज है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पहुँच जाएगी ना, वो कैजुअल इनकम नहीं है ना। और यार मैंने बैंक में पैसा डाल रखा है, बैंक मुझे ब्याज दे रहा है, तो वो तुक्के की इनकम है कोई? कैजुअल इनकम याद करनी पड़ेगी तुम्हें। कैजुअल इनकम मीन्स लॉटरी, पजल, गेम शो, ड्रीम इलेवन, जो झटके में पैसा आ जाए बिना मेहनत के। सर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस कैजुअल में आएगा या शॉर्ट टर्म? फ्यूचर एंड ऑप्शंस तो उसमें आता है, बिजनेस में। बिजनेस में हाँ बताओ जल्दी। एग्जम्पशन
पहले तुम करो फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर कैजुअल इनकम है ना, अब बताओ इनलाइन क्वेश्चन में टाइम लगाओगे। कैजुअल इनकम है सबको ओल्ड के हिसाब से कर दो, एजम्पशन डाल देना बस एग्जाम में अगर कुछ नहीं कह रखा तो। मैंने ओल्ड के हिसाब से सॉल्व कर रखा है, करें हाँ डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा, 2.5 लाख का होगा नहीं, एग्जामिनेशन अलग है डिस्काउंट अलग है। क्वेश्चन नंबर टू, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर वन सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीपी कैपिटल गेन अदर सोर्स डिडक्शन एनटीआई जीटीआई और एनटीआई। सैलरी नील हाउस प्रॉपर्टी नील पीजीपी नील कैपिटल गेन नील अदर सोर्स में क्या निकला वो भी सट्टा। सट्टा कितने रुपए का लगाया? 3.5 लाख रुपए जीत ली सट्टे में भाई। डिडक्शन जीटीआई क्या हो गई? 3.50। डिडक्शन है क्वेश्चन में नहीं। एनटीआई कितनी हो गई? 3.5। स्टेप नंबर टू ब्रेकअप पार्टी जीटीआई करते हैं, 3.50 की ब्रेकअप पार्टी करेंगे। 112 ए 115 बीबी और बैलेंस 3.50 किसके हैं? निल 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 और निल। शुरुआत हमेशा राइट साइड से करते हैं, बैलेंस हो गया निल, डिडक्शन कितनी हो गई निल, इनकम कितनी हो गई टोटल निल, एग्जम्पशन बोलो 2.5 लाख। 2.5 लाख की इनकम एग्जम्पशन का सहारा क्या कभी कैजुअल इनकम को देते हैं? नहीं देते। ये तो लिखवाया क्या चीज बताओ ना, 3.50 में से अगर 3.50 यहां चले गए तो बैलेंस कितने बचे? बैलेंस कैसे निकालते हैं? जीटीआई माइनस ऑल फोर अमाउंट, समझ में आई ना बात। ये बैलेंस निकलता कैसे? हमेशा टोटल जीटीआई वैल्यू माइनस फोर मेहमान ब्रेकअप पार्टी के, तो बैलेंस क्या बचेंगे? घर वाले बच जाएंगे। जीटीआई मेरी 3.50, 3 के 3.50 इस मेहमान ने ले ली मनमोहन सिंह जी ने, घर वालों के लिए कुछ नहीं बचा आप खाने के लिए, सब मेहमान खा गए। अब राज की बात तो लिखवाई थी, जो एग्जम्पशन स्लैब रेट की बच जाती है उसका सहारा पहले 3 मेहमानों को दे सकते हैं लेकिन तुक्के वाले इन मेहमान को नहीं देना। तो ये 2.5 लाख क्या हो गए? लैप्स, या लिख दो 2.5 लाख क्या हो गए? डेड है ना, ये डेड नहीं लिखना एग्जाम में, एग्जाम में क्या लिखना है? लैप्स, वो भी लैप्स ही मत लिखना, सीधा ही लिखना रिमेनिंग एग्जम्पशन ऑफ 2.5 लाख रुपीज कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट कैजुअल इनकम, ये लिखना है क्योंकि ये बात कैजुअल इनकम वाले 115 बीबी में लिखी है जो हम बाद में पढ़ेंगे अदर सोर्स के चैप्टर में जब जाएंगे। तो अदर सोर्स के चैप्टर में जब जाएंगे तो मैं तुम्हें याद रखना, मैं तुम्हें यहाँ पढ़ाई थी ये बात, तो एग्जाम में नोट क्या डालेंगे? एग्जम्पशन ऑफ 2.5 लाख रुपीज कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट कैजुअल इनकम, है कि नहीं बात? कैजुअल इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगी। रेट बोलो अब टैक्स का कितना आ गया? अब ये बताओ यहां से अमीर है गरीब है? ओल्ड में भी गरीब है, न्यू में भी गरीब है, तो ओल्ड के हिसाब से बता दो 1,05,000 का टैक्स और 87A की लिमिट 12,500, क्या कम है? 12,500। कितना बचा? 92,500। इसमें शिक्षा के पैसे जोड़ दो, कितना आ गया? मैच हो रहा है आंसर, है ना? समझे कैसे सॉल्व करना है? एग्जाम में दिखाना है ऐसे बस। करो अगला, अब 3 मैच होना चाहिए, नाटक मत करना। छुरी घोप दूंगा पेट में, फिर नाइफ भी आएगा, ब्लेड भी आएगा भाई। ये तो इंडियन है, चाकू भाला छुरी तो इंडियन है, नाइफ ब्लेड सीजर नॉन डाइजेंट है, सारे अंग्रेज हैं। आपने बहुत अच्छे लिखे ना, हाँ
ये बाहर के अब जल्दी कर दो, चार हो, खेल खत्म आज का। नहीं छुरी नाइफ ब्लेड सीजर, फिर तुम पक्के हो जाओगे ब्रेकअप पार्टी करने में। सारे निकाल दो, पहले सारे निकाल दो फिर बताता हूँ। तूने पीडीएफ डाउनलोड कर ली थी? पीडीएफ मैंने भेजी थी ग्रुप पे। क्यों सर ग्रुप पे कैसे ऐड करना? मैम को बोलो ना ऐड कर देंगी वो। तो ये मैंने क्वेश्चंस की पीडीएफ भेजी थी, खुल क्यों नहीं खुलनी है यार, अच्छा कैसे हो जाएगा? दोबारा भेज दूं फिर है? Yes. चलो आज दोबारा भेज दूंगा फिर से। मैच हो रहे हैं सारे? ऑनलाइन वाले निकम्मे बताएंगे मैच हो रहे हैं? हाँ रिद्धिमा दीदी कर दूंगा मैं, अपलोड कर दूंगा। हाँ हाउस प्रॉपर्टी के रेंट में हाउस प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो 20% क्यों नहीं लगा? 20% ही तो लगेगा। क्या कह रहे हो तुम बताओ, आंसर दिखाऊं? आंसर 2600, चौथे का आंसर 72800, पांचवे का 109000, छठे का 54600। चौथा नहीं आया? चौथा सॉल्व करूं? नहीं कुछ बच्चों का नहीं हुआ ना, यहां से मत देखो आंसर, वहीं बनाओ स्टेप वन स्टेप टू। स्टेप वन स्टेप टू करे बिना नहीं आएगा मामला। चौथा करें?
चलो भाई तुमने राज की बात नहीं लगाई चौथे में, इसलिए तुम गच्चा खा रहे हो। चौथे क्वेश्चन में बंदा कौन है? नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के तीनों बदले याद रखने हैं। अगर तीन बदले क्या है बताना जरा। पुराना स्लैब में है तो ढाई फिक्स, नो 87A, नो एग्जम्पशन का सहारा। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। सैलरी बोलो नील, हाउस प्रॉपर्टी, नील, पीजीपी, कैपिटल गेन कितना आप तो निकाल रहा हूँ। कैपिटल गेन कितना हुआ? 3.5 लाख। घर पर है ना, घर का कैपिटल गेन है ना, ज्वेलरी का है। क्वेश्चन साइलेंट है तो घर या ज्वेलरी कुछ ही मान लेना। अदर सोर्स, जीटीआई बोलो। हाँ वही तो लिखा है कैपिटल गेन के आगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एनटीए कितनी हो गई? 3.5 लाख। स्टेप टू बोलो, जीटीआई की ब्रेकअप पार्टी करेंगे, जीटीआई कितनी है? 112। ए ही कितना है? ओ सॉरी, 112। 111 ए नील, 112 ए भी नील, 115 बी भी नील। बैलेंस बोलो, बैलेंस नील। डिडक्शन भी नील, इनकम नील, इनकम नील। एग्जम्पशन कितनी बची? 2,50,000। अब बताओ 2,50,000 का जो है इसका सहारा दे दूं? नहीं, क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि ये लिखा, क्योंकि ये कौन है? नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट में एग्जम्पशन का सहारा नहीं मिलता। अगर एग्जम्पशन का सहारा नहीं मिलता तो सीधा रेट लगा दो। कितना? 70,000 ये बताओ, इस पे 87 ने क्यों नहीं दिया? बदला नंबर दो, ठीक है। तो आंसर कितना आना चाहिए? 70+ ये आ गया। सिक्स नॉन रेजिडेंट है वो, नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट। ओ भैया इधर ध्यान दो, बतिया रहे दोनों आपस में, समझ गया ना? नहीं 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 नहीं, ये बड़ी जल्दी जाने की, ये अभी बाद में करेंगे क्योंकि मैंने भी सरचार्ज पढ़ाया नहीं है ना। ये तुम अब तो तुम्हें आसान लगेगा सब, है ना? हाँ होमवर्क कर लेना, आसान लगेगा क्योंकि अगर ये क्वेश्चन तुमने कर लिए हैं, ये वाले 5, ये वाला 9, क्वेश्चन नंबर 6 ये रिवाइज कर लिया, तो तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। दिमाग में फिट होनी चाहिए बात कि छठे में वो डिडक्शन 1,38 क्यों है 2 की जगह। एक तो ये बात दिमाग में आनी चाहिए, है ना? और दूसरी बात क्या दिमाग में आनी चाहिए कि जब मैं ब्रेकअप पार्टी करता हूँ तो ब्रेकअप पार्टी में जो एग्जम्पशन है उसका सहारा पहले 3 लोगों को मिलता है और अंग्रेजों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तीसरी बात एग्जाम में क्लिक करनी चाहिए कि 87A का जो फैसला है वो NTI से होता है ना, राइट? और जब मैं NTI पहुँचता हूँ तो डिडक्शन लेस करके पहुँचता हूँ। डिडक्शन पुराने स्लैब में से घटाते हैं, नए स्लैब में से जनरली डिडक्शन नहीं घटाई जाती। बात समझ में आ गई? तो हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया? 6 कर लिया ना। अब देखो 7 हो जाएगा क्योंकि 7 में पता क्या है, 6 वाले क्वेश्चन में एज 62 मान लो, एज 62 होने से क्या होगा? जो एग्जम्पशन की जो लिमिट है वो कितनी हो जाएगी? और यहाँ जो एग्जम्पशन बची है हमारी 2.5, उसकी जगह कितनी हो जाएगी? 3। तो 3,00,000 की एग्जम्पशन का सहारा। अब तुम खुद सोचो, 1,90,000 तो इसे दे दिए, 1,10,000। ये बताओ 1,90,000 क्यों है? क्योंकि 3,00,000 माइनस 1,10,000, तो 1,90,000 ये बची है।
एग्जाम में एज का ध्यान रखना, पता लगा बहतियंगा में हाथ धो लिया, एग्जामिशन ढाई है, ढाई का ही सहारा दे रहे हो भाई, एग्जामिशन तीन भी हो सकती है और यहाँ एग्जामिशन पांच भी हो सकती है अगर 80 साल का हुआ तो। न्यू स्लैब रेट हाँ सेम क्वेश्चन है, ये होमवर्क में करेंगे आठवां, ठीक है। एक मिनट हो जाओ अगर भागो मत, सॉल्यूशन है मैच होना चाहिए तुम्हारा। अब आती है बात सर पार्टनरशिप डोमेस्टिक कंपनी, कंपनी के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? कंपनी फाइनल में पढ़ेंगे, टैक्स है कि नहीं बात, कंपनी एट पीपी सर का काम है ना। लेकिन एक छोटी चीज बताता हूँ, चाहे कंपनी हो चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे मैं पार्टनरशिप, चलो पार्टनरशिप बताता हूँ, हम जब करते हैं तो हम किसकी पार्टी, जीटीए की बेकअप पार्टी करते हैं, तो मैं यहाँ जीटीए लूंगा या इनकम लूंगा, इनकम के बाद ये सेम लिखूंगा 100 और फिर ये आएगा बैलेंस। सुनेंगे ध्यान से, अब जब बैलेंस आएगा तो बैलेंस पे अगर वो बंदा इंडिविजुअल है, यहाँ हम जिसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बंदा कौन है, तो क्या होगा, स्लैब रेट लगेगा। अगर वो इंडिविजुअल नहीं है पार्टनरशिप है तो स्लैब रेट नहीं लगेगा, फ्लैट बैलेंस पे लगेगा फ्लैट 30%। ए मुन्ना मुन्नी होश में सुन रहे हो ना। और अगर वो जब तुम फाइनल में पहुंचोगे तो पता लगा जिसकी तुम इनकम कैलकुलेट कर रहे हो वो बंदा निकला डोमेस्टिक कंपनी, तो उसके बैलेंस इनकम पे लगेगा फ्लैट 30%। और जिसकी तुम इनकम कैलकुलेट कर रहे हो वो निकली फॉरेन कंपनी, तो उस पे लगेगा बैलेंस पे फ्लैट 40%। हाँ लेकिन रेट है, रेट याद करने हैं, हाँ ठीक है ना। क्यों समझ आ गई बात, तो मतलब बिल्कुल रट मत लेना कि बैलेंस पे ही, बैलेंस पे स्लैब रेट लगाऊंगा। अगर क्वेश्चन पार्टनरशिप का आ गया एग्जाम में, तो पार्टनरशिप है हमारे एग्जाम में, क्वेश्चन पार्टनरशिप का आ गया तो बैलेंस पे क्या लगेगा, फ्लैट 30%। अब देखो ये प्यार भरी बात कहाँ लिखी है, अभी पढ़ के बता रहे हैं, ये रहा पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20 15 10 और 30, ये चार तो कॉमन है, अदर इनकम पे देखो कितना है 30, स्लैब नहीं है, है ना, ये पेंडिंग है, सरचार्ज और मार्जिन रिलीफ है ना, ये पढ़ाऊंगा जब सरचार्ज वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। डोमेस्टिक कंपनी 20 15 10 30 बैलेंस पे कितना है, स्लैब रेट नहीं है। फॉरेन कंपनी 20 15 10 30 बैलेंस पे कितना है ना, याद रखना स्लैब रेट नहीं है। सब पे कॉमन है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, डिडक्शंस मिल जाएंगी, डिडक्शन वाले चैप्टर में जाके पढ़ेंगे कि कौन सी डिडक्शन इंडिविजुअल्स के लिए है और कौन सी डिडक्शन पार्टनरशिप और कंपनीज के लिए, ठीक है ना, डिडक्शन मिल जाएगी। तो पार्टनरशिप और इंडिविजुअल्स तो पूछेंगे हमारे एग्जाम में, हमारे एग्जाम में कंपनी से क्वेश्चन है ना नहीं आएंगे, नहीं पूछेंगे, फाइनल में पढ़ेंगे आप। रेट याद करना है, अब रेट बढ़ा रहे हैं इंटर में, ठीक है भैया। तो ये था तुम्हारा टोटल टैक्स लायबिलिटी, तीन लेवल, लेवल वन ओल्ड, लेवल टू न्यू, लेवल थ्री ब्रेकअप पार्टी, लेवल फोर बच जाता है जिसे हम बोलते हैं सरचार्ज और मार्जिन रिलीफ, वो बाद में पढ़े। तो अगले चैप्टर, अगली क्लास से क्या शुरू करेंगे, सरचार्ज नहीं सैलरी शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे सैलरी। तो अगली क्लास में नया चैप्टर नया हेड शुरू करेंगे, ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, थैंक यू।